दे दूंगा ठीक नहीं नहीं कोई बात नहीं ले लो नहीं टॉप्स ले टॉप्स हो गया ना और एक का मतलब टॉप्स वाइज रिपीट टॉप्स बना हाई एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग भी रहने वाला है आप लोगों के लिए ब्लॉग फर्स्टेड, और बेबी के घर पर जो फंक्शन हुआ था आप लोगों के साथ हमने शेयर किया हुआ था उस वाले ब्लॉग पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार और सत्कार दिया और अपनी गुड विशेज दी बेबी को, उसके बच्चे को। तो यूँ ही अपना प्यार और सत्कार बनाकर रखिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं चली हुई है शॉपिंग, तो आज होगी बहुत ही ज़्यादा महंगे वाली एक्सपेंसिव शॉपिंग, और कुछ आर्टिकल आप लोगों के सामने भी हैं तो इनमें से ही हम कुछ चूज करने वाले हैं। तो ये देखने के लिए आपको यूं ही आगे बने रहना पड़ेगा हमारे आज के ब्लॉग में। आप लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इतनी महंगी एक्सपेंसिव शॉपिंग क्यों की जा रही है, तो आप लोगों के सामने हम हमेशा अपनी फैमिली के बैक टू बैक फंक्शन जो हमारे घर पर होते हैं वो शेयर करते आ रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत ही पसंद लगते हैं। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि बेबी के घर पर जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, अब हमारे घर पर एक और बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो गैस कीजिएगा आप क्या कौन से वाला फंक्शन है। तो खैर, जिन्होंने गैस किया होगा उन्होंने परफेक्ट गैस कर लिया होगा। तो हाँ, मेरे छोटे भाई की शादी आ रही है बहुत ही नज़दीक, तो उसी के ही रिगार्डिंग यहाँ पर चली हुई है कुछ शॉपिंग। ढेर सारे जेवरात आप लोग देख रहे हैं, महंगे महंगे। खैर, ये तो होगी अभी तक शॉपिंग के बारे में बातचीत, और आप लोगों को चलिए ले चलते हैं एक और बढ़िया सा मोमेंट दिखाते हैं। तो भाई, पिछले दो दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है हमारे एरिया में। इतनी तेज़ बारिश हुई पिछली कल रात को कि एक डर सा भी लग गया कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश है। और आप देख सकते हैं जो हमारे घर के सामने वाली हिल्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुआ है। अपर वाली हिल्स बहुत ज़्यादा वाइट हो गई है, देख सकते हैं आप। और आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैं क्लिप्स भी लेकर आया हूँ, स्नोफॉल के नज़ारे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यूं ही आगे कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे आज के ब्लॉग में। और अभी तक कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वाला ब्लॉग, तो इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट का किसी भी ब्लॉग में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। आप लोग जब कमेंट करते हो तो हमें उससे पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेट होते हैं और डेली बेसिस पर नया ब्लॉग लाने के लिए हम प्रेरित रहते हैं। और आप लोगों की सजेशन भी मिलती है और कुछ नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कमियाँ हमारे चैनल पर चल रही हैं। तो कुछ भी, कोई भी राय हो आप लोगों के सामने हमारे चैनल के रिगार्डिंग, तो आप लोग जरूर रखिएगा। हेलो एवरीवन, तो आप लोगों को बता दूं, वैसे तो आप सभी को पता है कि आज है हिमाचल दिवस, और हिमाचल दिवस पे हमारा जो हिमाचल है, सुंदर सा हिमाचल, कितना प्यारा लग रहा है। देवभूमि हिमाचल ने जो है बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है, हर जगह पे तो जो है बर्फ़ ही बर्फ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखने को। और सभी यात्री यहाँ पे घूमने को आए हुए हैं, और आज स्पेशल डे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हिमाचल दिवस है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर कर ही देती हूँ। तो बहुत ही मज़ा आता है बर्फ़ में, सच्ची बात बताऊँ, जो जो हिमाचल घूमने आया है फुल इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये नज़ारे फिर बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। तो देख लीजिए, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं जो जो यहाँ पे घूमने आए हैं, अपना मज़ा ले रहे हैं, बस अपना ध्यान रखना है, बाकी इंजॉय फुल करना है। वैसे तो सभी को पता ही है कि हिमाचल जो है एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे यात्री यहाँ पे घूमने आते ही हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो ये जो दृश्य है ये है मनाली सोलंग नाला का। हिमाचल में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो घूमने लायक है, जैसे कुल्लू, मनाली, चंबा। वैसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में आप घूम सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा ही। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपका मन मोह लेंगी पूरे तरीके से। तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हिमाचल दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हिमाचल आके आप बहुत सी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, फुट ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं।
आप लोगों के साथ थोड़ी देर ऐसे ही गपशप में लड़ा लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन हैं, तो एक भारतीय होने के नाते बहुत ज़्यादा गर्व फील करना चाहिए हमें कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हमारा देश सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप देख सकते हैं बाहर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि पूछिए मत। जो भी बाहर गए होंगे मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स जो मुझे देख रहे होंगे बाहर से भी, तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि इंडिया का जो हमारा कल्चर है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब 5-5 या 10-10 किलोमीटर के बाद देखिए कल्चर चेंज हो जाता है। और आज है 25 जनवरी, हमारे स्टेट का स्टेटहुड डे है, तो सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश वासियों को और हिंदुस्तान के सभी जो युवा है उनको भी देना चाहता हूं। जितने भी हिंदुस्तानी मुझे देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत बेस्ट विशेस हो। आज हमारे जो स्टेट है हिमाचल, उसका गठन हुआ था और हमारा जो राज्य है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सुंदर है। और राज्य एक कोइंसिडेंस ये हो गया है कि देखिए जो भी पर्यटक आए हुए हैं उनकी तो देखिए मौज होगी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है हमारे मनाली में, हमारे शिमला में, जितने भी अपर्स एरिया हैं जहाँ जहाँ पर भी टूरिस्ट आए हैं, तो उन सभी को खूब सारा इंजॉय करने को मिल रहा होगा आज, जो स्नो देखने के लिए आए हुए होते हैं हमारे यहाँ स्टेट में। और बहुत ही खुशी का दिन है ये कि 25 जनवरी को हमारे राज्य का गठन हुआ था और जो हमारा देश है बहुत ही प्यारा है। और ज़्यादा ना ब्लॉग को मैं लंबा खींचते हुए आप लोगों से यहीं पर ही इजाज़त लेना चाहता हूँ इस वाले ब्लॉग की एंडिंग करने में। और आप लोगों की मैं गैसेस देखना चाहता हूँ, तो जो मैंने आप लोगों को अपने वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाए, तो उनमें से कौन से आर्टिकल चूज़ किए होंगे आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स थे उनकी शॉप पर और बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे उन चीज़ों के ऊपर भी कि हम क्या क्या चीज़ें चूज कर रहे हैं जो मेरे भाई की होने वाली धर्मपत्नी है उनके लिए। तो अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक तो मैं सबसे मांगता ही हूँ। बाकी हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए आप लोग भी प्लीज़ जुड़िएगा हमारे साथ। जितने भी न्यू व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए मना मत जाइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।